हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सालू वीडियो रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ सनस्क्रीन के बारे में। जी हाँ, 6 ऐसे सनस्क्रीन मैं बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन सनस्क्रीन लगाने और खरीदने से पहले सनस्क्रीन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सनस्क्रीन का पैकेट पे क्या आपने देखा है कभी कि UVA, UVB, PA, ट्रिपल टाइम प्लस, 4 टाइम प्लस, SP50 क्या होता है? अगर आपने देख कर खरीदते हो तो बहुत अच्छा है, अगर देख के नहीं खरीदते हो तब तो नहीं अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले सनस्क्रीन के बारे में समझ लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। UVA और UVB ये क्या होता है? सूर्य की ऐसी 2 किरण होती है जो कि स्किन को डायरेक्ट डैमेज करता है अगर आप सनस्क्रीन लगा के नहीं जा रहे हो, अगर आप ऐसे ही धूप में सनलाइट में निकल जा रहे हो। ठीक है, तो PA ट्रिपल टाइम जो प्लस है, 4 टाइम प्लस है, ये UVA से आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और SPF 50 जो है वो आपको UVB से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होता है। नहीं पता कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? यही होता है जो PA 4 टाइम प्लस है और SPF 50 है, और ये UVA और UVB से हमें प्रोटेक्ट करता है। बस यही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जहां भी आप देखिए वो अच्छा है, आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सनस्क्रीन की जो गुणवत्ता होती है, जो सनस्क्रीन काम करता है। ठीक है, तो चलिए, सनस्क्रीन जो नहीं लगाते हैं उनको क्या होता है? जो सनस्क्रीन नहीं लगाती है उनकी स्किन जो होती है ना, समय से पहले बूढ़ी हो जाती है, प्री मेच्योर एजिंग दिखाई देने लगती है। सनस्क्रीन, बहुत लोग कहते हैं ना, मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे तो बच्चे भी नहीं हुए हैं, मुझे क्या हो गया कि मेरे फेस पे पिगमेंटेशन हो गया है आपकी, तो आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया, आप ऐसे ही धूप में चली जाती हैं, इसीलिए आपको पिगमेंटेशन होता है। तो अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगा, मेलाज्मा भी होगा। जी हाँ, ये पिगमेंटेशन के बहुत सारे कारण होते हैं और उसमें से एक कारण ये भी है कि आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया। ठीक है, स्किन अगर आपकी बहुत ज्यादा ब्लैक पड़ जा रही है या आपकी स्किन का जो एक्चुअल कलर है वो आपका नहीं है, ठीक है, टेक्सचर आपकी जो पहले थी वो नहीं है, इसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है। जी हाँ, आपकी स्किन पे अगर झुर्रियां, लाइंस पड़ रही हैं तो आपने सनस्क्रीन लगा के आप बाहर नहीं जाते हैं। इसीलिए ये औरत और आदमी, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अपने पास एक सनस्क्रीन रखिए। ठीक है, चाहे वो कम दाम की हो चाहे वो ज्यादा दाम की हो, आप अपने पास रखिए, क्योंकि आप अपने स्किन को इसी से ही बचा सकते हैं। क्योंकि सनलाइट जो होती है ना, हमारी स्किन को बहुत तेजी से डैमेज करती है। तो ये बात समझ में आ गई कि सनस्क्रीन इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो चलिए, सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं UVC क्रॉस। जी हाँ, ये थोड़ा सा ड्राई करता है लेकिन ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, लेकिन ये है बहुत कमाल की चीज। ठीक है, बहुत अच्छी है, मैं इसको यूज करती हूँ, अभी भी मेरे वार्डरोब पे है, ये बहुत अच्छी है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि मैं इसे पर्सनली यूज करती हूँ, ये व्हाइट कास्ट भी छोड़ता है, ये ड्राई भी करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपके लिए बेस्ट है, अगर ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन है, अगर आपके फेस पे पिगमेंटेशन, मेलास्मा है, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सेकेंड नंबर पे मैं बात करने वाली हूँ न्यूट्रीजीना अल्ट्रा सीर, जो कि ये भी मेरा फेवरेट में से आता है। ड्राई टच सनब्लॉक, SPF 50, PA 4 टाइम प्लस, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है और मैं इसका जो प्राइस है वो भी यहाँ पे लगा दूंगी। और ये थोड़ा सा अल्ट्रा लाइट है और नॉन स्टिकी है, ये ऑयली, ड्राई और सेंसिटिव स्किन तीनों लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैंने बहुत टाइम से इसको यूज़ किया है, मतलब बहुत टाइम यूज़ किया है इसको, बहुत अच्छा है। मैंने एक दो तो मैंने ख़त्म भी कर दिया है, बहुत अच्छा है ये, और UVC क्रॉस, ये दोनों मतलब मैंने यूज़ किया बहुत अच्छी तरीके से। थर्ड नंबर पे बात करेंगे न्यूट्रीजीना सीरजिंग ड्राई टच सनस्क्रीन SPF 50 प्लस, ठीक है, तो ये भी न्यूट्रीजीना का है लेकिन ये इसका जो पैकेट है वो येलो कलर का होता है, और ये जो है ना ऑयली स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। ये थोड़ा सा ड्राई करता है, व्हाइट कास्ट छोड़ता है, लेकिन व्हाइट कास्ट छोड़ रहा है लेकिन आप अगर मॉइस्चराइज करके अच्छे से चेहरे पे अगर सनस्क्रीन लगाओगे तो व्हाइट कास्ट जो है ना वो नहीं छोड़ेगा, मतलब वो मिल जाएंगे, तो अच्छे से अगर आप अच्छे से लगाओगे तो ये मिल जाएंगे, तो कोई बात नहीं, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो आपके लिए ये बेस्ट होगा, आप ले सकते हो। ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर
कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं, ड्राई ड्राई टू ऑयली है जो, अगर अगर वो अगर ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके चेहरे को तब लगाइएगा अच्छे से। जो व्हाइट कॉट्स होता है ना, सो डर जाते हैं सब लोग ना, बिल्कुल मत डरिए। चेहरे पे अच्छे से पहले लगा लीजिए, बहुत ही प्रॉपर आपको धीरे 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 स्प्रेड करते हुए इसको अच्छे से लगाएंगे ना, तो ये मिल जाएंगे स्किन में, ठीक है। व्हाइट कॉट्स से डरना नहीं है, सनस्क्रीन में अक्सर रहता है क्योंकि ये हमें सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है ना, तो ये थोड़ा सा रहता है इसमें। नंबर 4 पे बात करने वाले हैं डॉक्टर सेट्स का सीरामाइड एंड विटामिन सी सनस्क्रीन, ठीक है। ये भी काफी अच्छा है और ये मैंने नहीं यूज किया है, मेरी फ्रेंड्स ने यूज किया और बहुत अच्छा इसका रिव्यू देती है, बोलती बहुत अच्छा है। और इसमें भी 50+ SPF 50+ है, PA 3 times+ है, ठीक है, और बहुत अच्छा है। एंटी विजिबल लाइट है, एंटी पोल्यूटेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और 1% हाइलुरोनिक एसिड है, 2% विटामिन सी है, 1% सिरामाइड है, ठीक है। पिगमेंटेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, आप लगा सकते हो। अगर सनस्क्रीन आप अच्छे से वियर कर रहे हो ना, तो जो पिगमेंटेशन मिलाजमा भी अगर है ना आपके चेहरे पे, सब मतलब जितने भी सनस्क्रीन, अगर आप जो भी सनस्क्रीन आप लगाना चाहते हो ना, वो सब सनस्क्रीन आपके लिए सूट करेगा। बस क्या है कि आप स्किन टाइप के हिसाब से सनस्क्रीन आप चूज करो, ठीक है। नंबर 5 पे बात करने वाले हैं मिनिमलिस्ट का सनस्क्रीन। जी हाँ, SPF 50 है, PA 4 times+ है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा अच्छा है ये, और फॉर ऑल स्किन टाइप है। लेकिन मैं आपको इसमें लिखा है कि फॉर ऑल स्किन टाइप, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपकी ड्राई टू ऑयली स्किन है तब आप लगा सकते हैं, अगर आपकी ऑयली स्किन है तब आप लगाइए। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट है मिनिमलिस्ट का, ठीक है। तो इसमें लाइट वेट है और विद मल्टी वाइटमिन्स है, नो व्हाइट कॉस्ट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम फॉर वुमेन एंड मेन, सभी लोग इसको लगा सकते हैं, ठीक है, और मिनिमलिस्ट का है, काफी ज्यादा सही है। इस नंबर पे मैं बात करूंगी लिटिल एक्स्ट्रा राइस बेरी सनस्क्रीन SPF 50 PA 4 times+, ठीक है, 4 times+। ये भी काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो इसकी प्राइस है ना, काफी ज्यादा अफोर्डेबल है, और अब किस ये ऑल स्किन टाइप के लिए सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छा है। जो इसका रिव्यू है ना, बहुत अच्छा मुझे मिला है, मेरी जो दोस्त है ना, उन्होंने ये यूज किया है लिटिल एक्स्ट्रा राइस बेरी सनस्क्रीन SPF 50, उन्होंने यूज किया, मुझे बताया कि काफी ज्यादा अच्छा है। आप इनमें से कोई भी सनस्क्रीन यूज करो, अपने स्किन के अकॉर्डिंग बेस्ट है, आपको अच्छा लगेगा। सनस्क्रीन खरीदने से पहले SPF PA आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आज की मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये सनस्क्रीन के बारे में जो मैंने बताया है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।